Hey. Hi. Hey. Can you hear us? All right, start. No, you start. क्या हुआ गाइज, हम ऐसे क्यों बैठे हैं? ओ, गुड न्यूज है क्या? एक मिनट, लेकिन राघव तो लंदन में है. हाँ, फिर कुछ और ही होगा. अच्छा, तू बता बता. वी हैव Oh, wait. राघव ने प्रपोज किया तुझे? अरे फिर तो पार्टी बनती है. ओके ओके ओके, नो गाइस, जस्ट लिसन टू अस. ओके ओके, बोलो बोलो. ओके, सो वी हैव डिसाइडेड टू ब्रेकअप. मतलब समर नहीं समझा तो मैं भी नहीं समझा. गाइस, इट्स कंप्लीटली म्यूचुअल. यस, थिंग्स वरंट वर्किंग आउट एंड वी हैड टू डू दिस. अरे दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे ब्रो, ये लोग शायद प्रैंक कर रहे हैं हम लोगों के साथ. अप्रैल फूल्स? नहीं भाई. नो नो गाइस, वी सीरियस. आई मीन, लॉन्ग स्टोरी है, थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, बट इट्स फॉर द बेस्ट. गाइस गाइस, इट्स कंप्लीटली म्यूचुअल. यार देख, ऐसे थोड़ी होता है ब्रेकअप. एक बार बात करो, आराम से, अच्छे से बात करो, सब सॉर्ट हो जाएगा. समर, ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में, अब कुछ नहीं हो सकता. तू बता मुझे क्या हुआ है. अपन अभी कॉल करते हैं राघव को और सब सॉर्ट करते हैं बैठ के. यार देख, अभी मैं सोने जाती हूँ, कल बात करते हैं इसके बारे में. नहीं नहीं, अभी तू सोने ही नहीं जाएगी. पहले हम राघव से बात करेंगे, उसके बाद ही तू सोएगी. अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन. कल सुबह उठते ही मैं इसे कॉल करूंगी और हम सब बैठ के सॉर्ट करेंगे, ठीक है? पक्का? पक्का, एकदम पक्का, बिल्कुल पक्का. मैं पूछूंगा राघव से. मुझे लगा था ये कोई छोटी सी लड़ाई है, सब ठीक हो जाएगा. पर ईशा और राघव जानते थे कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, उनकी आखिरी लड़ाई थी. हाँ, कल सुबह की फ्लाइट है. ना ना, तुम्हें ओके पाठियो ना, हमें नीचे चले आजबो. या ओके, बाय. ईशा के डैड की हेल्थ अब इम्प्रूव हो रही थी. उसके मॉम डैड ने उसे कुछ दिन के लिए कोलकाता वापस बुला लिया था. ईशा ने हम सबसे कहा था कि वो वापस आकर अब हमारे साथ रहेगी, और ये सुनकर हम सबको थोड़ा बेटर फील हो रहा था. मैंने और रेचल ने वेब सीरीज की फाइनल तैयारियां करना शुरू कर दी थी, और वरुण की मूवी भी स्टार्ट होने वाली थी. तू बता, तेरा दिन कैसा था? ओह अरे ब्रो, आज मुझे वर्कशॉप में पता चला कि मूवी में एक किसिंग सीन भी है, तो मैं चला गया डायरेक्टर के पास. क्यों, मना करने? पूछने कब करना है. ऑफ कोर्स. तो तूने नताशा को बताया? हाँ बताया ना. क्या बोली? शी इज प्रीटी चिल अबाउट इट. नाइस. खुद से वेब सीरीज बनाना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार है. ऐसा लग रहा था कि हम हमारी मेमोरीज को वापस से जी रहे हैं, और यही तो खूबसूरती है मेमोरीज की, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी हमारे पास हमेशा. गुमशुदा हूँ
और फिर मेमोरी से लड़ने आ जाता है हमारा प्रेजेंट, जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता और नई मेमोरीज भी क्रिएट कर देता है। हाँ बोलो, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? वो मॉम एंड डैड ने कुछ फोटोज भेजी थी कुछ लड़कों की, तो पूछ रहे हैं कि कोई पसंद आया है क्या इसमें से। ओ, शादी के लिए? मतलब ऑफ कोर्स शादी के लिए बोला होगा, तो फिर तुमने क्या बोला? ऑफ कोर्स मना किया। लेकिन ये अचानक शादी की बात कहां से आई? अचानक नहीं, वो लोग करते रहते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि इतना सीरियस नहीं है, लेकिन आज बहुत देर बात हुई तो मुझे समझ आया दैट दे आर सीरियस। ओ, तो तुमने बोला उन्हें कि तुम्हें अभी नहीं करनी? हाँ वो मैं बोल दूंगी, पर लेकिन मैंने उन्हें हमारे बारे में बता दिया। ओ, क्या बताया? वही जो है कि हम हैं साथ में। ओ वाओ, अब नाइस, ओके। या बट एक इशू और है। क्या? वो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं एक बार, तो तुम मिलोगे उनसे जब वो लोग आएंगे मुंबई नेक्स्ट टाइम? अब मैं क्या बोलूं, ये सब शादी की बातें, मैंने अभी तक ये सब सोचा नहीं है। शादी नहीं करनी है, मुझे भी नहीं करनी है अभी, उन्हें बस कंफर्मेशन चाहिए कि कोई है, और अगर है तो उन्हें मिलना है बस, दैट्स इट। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। कभी कभी लाइफ इतनी ड्रामेटिक हो जाती है कि बस थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाए तो पूरा सीन एकदम फिल्मी हो जाएगा। वरुण के लिए सीरियस रिलेशनशिप एक नई चीज थी, इससे पहले उसने कभी किसी के लिए इतना कमिटमेंट दिया नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। अपनी कहानी में भी मैं वरुण को वो जैसा है वैसे ही लिख रहा था, क्योंकि अब हर कैरेक्टर परफेक्ट थोड़ी हो सकता है। खैर परफेक्ट से याद आया, रेचल। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. रेचल चाहती थी कि मैं मॉनसून स्टोरी जल्द से जल्द लिख दूं ताकि हम शूट स्टार्ट कर दें, पर मैं उसे कन्विंस करता था कि पहले हम शूट स्टार्ट करते हैं, मॉनसून स्टोरी मैं लिखता रहूंगा। और इसीलिए अभी तक हम लोकेशंस ढूंढ रहे थे, नए कैफेज डिस्कवर कर रहे थे और मूवीज देख रहे थे इंस्पिरेशन के लिए। हाँ हाँ बस हो गया, थोड़ा सा ही बचा, I'll do it on YouTube. Okay. राघव, वो मेरा फोन ही नहीं उठाता था, और ईशा, वो बस कुछ ही दिनों में कोलकाता से वापस आने वाली थी, और मैं वेट कर रहा था कि ईशा जैसे ही कोलकाता से वापस आएगी मैं सबको मॉनसून स्टोरी की कहानी साथ में सुनाऊंगा। पर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी लिखने में एक प्रॉब्लम है, उसमें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। Such a huge thing. I'm so happy for you. Thank you so much. You have to help me with everything. Of course. By the way, तूने राघव को बताया इसके बारे में? हाँ मैंने बताया था उसको, पर उसने फोन नहीं उठाया था तो शायद उसने सुना नहीं होगा। Oh, by the way, I'm very happy for you. Congratulations. Thank you. Damn, where is Summer? Let me just call him. No. Don't call him. What? I'm not sure how he's gonna react to that. I think Raghav se zyada bura Samar ko lagega. Lagta hai Samar aa gaya. Tu mazak kar rahi hai na? Nahi. Prank hai? Kahan hai camera? Samar, shaadi hai meri 2 mahine baad. Abhe, aur Raghav ka kya? राघव का क्या? कुछ नहीं, he doesn't want to marry me. वो बोला ऐसा? हाँ, I asked him कि 10 साल वेट करूंगी तो शादी करेगा, and you know what he said? क्या?
आई डोंट नो. तो कैसे पता? दिस इज व्हाट ही सेड. अरे तो कुछ चल रहा होगा लाइफ में, स्ट्रेस में होगा. नहीं समर, तू समझ. आई नो तेरा दोस्त है तो उसकी साइड लेगा, लेकिन एक मिनट, मैं तेरा भी दोस्त हूँ तो दोनों का दोस्त हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ. तुम दोनों शादी करो ना, किसी और से क्यों कर रहे हो? समर तू समझ नहीं रहा है, ही इज नॉट द सेम राघव. वो बदल गया है लंदन जाके. अरे तो तू भी बदल गई, किसी और से शादी करेगी? मैं बदल गई हूँ. हाँ तो देख, तू कैंसिल कर दे शादी, मैं बात करता हूँ राघव से. समर यार, एक बार में पलटी मार ली तूने. राघव नहीं तो मतलब किसी से भी शादी कर लेगी क्या? कैसी है यार तू? मैं कैसी हूँ? हफ्ते में ढंग से बात तक नहीं करता था वो मुझसे. पहले बोलता था इंडिया वापस आएगा शादी करेगा, अभी बोलता है मन नहीं है. बोलता है ग्रोथ हो गई, साथ में ग्रो नहीं कर सकते समर? I'm sorry, मुझे पता नहीं था. मॉम डैड ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती ना. एंड अरमान इज अ वेरी नाइस गाय. एक महीना पहले मिली थी जब कोलकाता गई थी. डैड के फ्रेंड के थ्रू पहचान हुई एंड आई एम श्योर यू गाइस विल लाइक हिम. नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे. आई मीन थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में. और ऐसे ही अचानक बस एक दिन सब बदल जाता है. ईशा अब हर 10-15 दिन में कोलकाता जाती थी शादी की तैयारी के लिए. मैंने और रेचल ने सारी लोकेशंस फाइनल कर दी थी सीरीज की, और वरुण की मूवी का शूट स्टार्ट हो गया था. हे हेलो, कहाँ बिजी हो यार? अरे वो मेरी डबिंग चालू है ना, तो मैं पूरा दिन वहाँ पे रहता हूँ और फिर मेरा फोन भी साइलेंट पे रहता है. ओके, तो तुमने कुछ सोचा? मतलब मॉम एंड डैड आ रहे हैं संडे को, तो अगर तुम रेडी हो तो मिल सकते हैं उनको. हाँ हाँ बिल्कुल मिलूंगा ना. मतलब हो सकता है मुझे उस दिन थोड़ा काम हो, बट मैं पूछ के बताता हूँ तुमको. ठीक है, पर पहले से बता देना तो ही मैं उनको बोलूँगी, अदरवाइज नो स्ट्रेस. हाँ ओके. ऑल्सो फिर मैं उनके साथ इंदौर जा रही हूँ, तो थोड़े दिन में आ जाऊंगी. ओके, जाने से पहले मिलते हैं. हाँ जरूर, कल शाम को फ्री हो? हाँ डन. ओके सी यू टुमारो, बाय. ओके बाय, सी यू. वरुण अपने कमिटमेंट के डर से नताशा को इग्नोर कर रहा था. अरे ब्रो, हम लोग निकल रहे हैं शूट के लिए. कौन सा शूट? वेब सीरीज का शूट. ओ हाँ, वो सीरीज का शूट. वैसे आज मुझे भी बाहर जाना है, मेरी वर्कशॉप है. ओ नाइस, ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. तुम दोनों को भी ऑल द बेस्ट. थैंक यू, चला बाय. बाय. थैंक यू. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बुक पे वेब सीरीज बन सकती है, एंड वो भी हम दोनों मिलके बनाएंगे. I know, पर यही तो जिंदगी है मेरे दोस्त, full of surprises. अच्छा वो कास्टिंग वाला हो गया तुम्हारा, पोस्ट डालने वाली थी? हाँ, so hopefully कल से ऑडिशन आने लगेंगे. मजा आएगा उसमें यार, I'm excited. You know, it's so funny that Varun तुम्हारा रोल प्ले कर रहा है. I mean समर का रोल, एंड हमें वरुण के लिए किसी और को ढूंढना होगा. Well, that is life, full of surprises. Hey, how's your book going along? चल रही है. मतलब अभी टाइम लग सकता है यार. मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अ समर स्टोरी और विंटर स्टोरी बना लो पहले. No. That we're making together. तीनों सीजन हम साथ में ही बनाएंगे. But यार मॉनसून स्टोरी में अभी बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज आई डोंट नो उसका एंडिंग क्या होगा अब तक. सो पता नहीं यार कैसे होगा. सब हो जाएगा, आई एम श्योर यू विल कंप्लीट इट सून.
आई होप सो। अच्छा, विल दिस रियली बी योर फाइनल बुक? तुम इसके बाद सच्ची कुछ नहीं लिखोगे? नहीं, आई थिंक ये इतनी ही कहानी थी। आई मीन, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लिख लूँगा, पर लोगों को पसंद आती गई तो कहानी आगे बढ़ती गई अपने आप। पर आई थिंक अब टाइम आ गया है कि इसे एक एंड दिया जाए, और एंडिंग हैप्पी होगी या सैड होगी, पूरी होगी या अधूरी होगी, ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, ये ज़रूर पता है कि खूबसूरत होगी, क्योंकि जैसी भी होगी सच्ची होगी। I'm sure people will love it, and they will definitely want more. Maybe another part? No, no way. Okay, what if we have like 1 million views on the show, 1 million copies sold, then will you make another part? Nahin. No. Okay, 10 million views. Nahin. यही फाइनल है। ओके, 100 million, दैट्स अ लॉट। 100 million आए तो पक्का 100% एक्सपर्ट आए। पक्का? डन डन। ओके देन, वी आर गोना वर्क हार्ड। ओके। एंड वी आर गोना गेट द 100 million व्यूज, ओके? ओके। एंड टू दैट वी आर गोना चीयर्स। ओ। ओके। टू द अपकमिंग 100 million व्यूज। चीयर्स। I really hope 100 million views aaye. We will get it. Don't worry. Work hard. Work hard. अरे, good morning. क्या good morning? अरे यार, दुखी आत्मा, तू हमेशा क्यों सड़ा मुंह लेके बैठा रहता है? तेरी तो पिक्चर पहले शूट हो गई, अब ट्रेलर कभी भी आ सकता है, तो ये तो खुश होना चाहिए। हाँ हाँ। और नताशा कैसी है? पता नहीं, ज़्यादा बात नहीं होती है, चैट पे होती है थोड़ी बहुत। क्यों, सब ठीक है? यार, जब से उसने कॉल पर शादी की बात करी है तब से उसको फ़ोन करने में डर ही लगता है। तू पागल है क्या? तुझे पसंद है ना वो? पसंद है ना? पसंद तो बहुत है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर शादी नहीं करनी है, बाद में करनी है, जो भी प्रॉब्लम है बात कर उससे इस बारे में, अवॉइड मत कर। ब्रो, मैं चैट पे बात करता हूँ, लेकिन मैं जब कॉल करूँगा तो फिर वो शादी की बात आएगी, फिर ऑकवर्डनेस, फिर 2-3 दिन तक और बात नहीं होगी। तो ऐसे अवॉइड करेगा तो उससे बात बढ़ेगी ना, उसको कॉल कर, क्लियर कर सब कुछ। नहीं ब्रो, मुझे नहीं करनी है बात उससे। अरे यार, तू एक काम कर, कॉल कर और शादी का टॉपिक निकलने ही मत दे, बाकी सारी बातें कर। बता तेरा शूट कैसा था, तेरा आज का दिन कैसा रहा, उससे पूछ कि उसका दिन कैसा है, उसने क्या किया आज, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, और फटाफट टॉपिक बदलते रहना, तो शादी का टॉपिक निकलेगा ही नहीं। हाँ ब्रो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। है ना, जा अभी कॉल कर उसे। हाँ, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। थैंक्स ब्रो। अरे कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग। ए, गुड मॉर्निंग, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाय, गुड मॉर्निंग। What's up? कुछ नहीं यार, बस थोड़े से आइडियाज आए थे तो वही लिख रहा था, मतलब बुक के लिए। ओह, ओह वाओ। तुम बताओ, एक्साइटेड फॉर कल के शूट के लिए? यस। मजा आएगा। या। हेलो। हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया बढ़िया। और क्या कर रही हो? बस वर्कशॉप पर आई हूँ, स्टार्ट होने वाला है। अच्छा अच्छा, और कल का दिन कैसा गया? बढ़िया था, काफी देर तक प्रैक्टिस कर रही थी पर मजा आया। ओ, सही है सही है। और बताओ। और बस तुम बताओ, ट्रेलर कब आ रहा है, कुछ पता चला? अरे नो आइडिया यार, बट आज या कल में पोस्टर लॉन्च हो जाएगा। नाइस यार, ग्रेट। थैंक्स। और बताओ। और तुम बताओ कुछ। और तुम बताओ कुछ। और तुम बताओ ना कुछ न्यू, सब कैसे हैं वहाँ पर? अरे सब बढ़िया है, समर और ईशा। अरे ईशा से याद आया, तुम्हें पता है ईशा की शादी हो रही है? व्हाट? वाओ। हाँ, बट हमारे लिए वियर्ड है बिकॉज राघव से नहीं हो रही है। दैट्स ट्रू, बट एनीवे मेरी तरफ से उसे कांग्रेचुलेशन जरूर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शादी से याद आया,
हाँ हाँ सोचा है ना। क्या सोचा? मैंने सोचा है कि हाँ समर, एक्चुअली मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बिजी हूँ। बाय। तुम्हें ना इससे करवाना चाहिए वरुण वाला कैरेक्टर। आई नो राइट, पर फिर तुम्हें समर का रोल प्ले करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम इसी से करवा लो। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि हम कल और परसों जैसे मरीन ड्राइव जा रहे हैं ना शूट करने, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पूरा वीक ना हम सेकंड और थर्ड एपिसोड एक साथ शूट कर लेते हैं, बिकॉज वो पूरा इंडोर है। नो नो, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि हम फर्स्ट एपिसोड का अभी कर लेते हैं एंड देन कोलकाता से वापस आने के बाद बाकी का शूट करते हैं। कोलकाता यार, मैं भूल ही गया था कोलकाता के बारे में, मुझे नहीं जाना यार। व्हाट? As if we'll leave you here. देखो मुझे नहीं जाना यार, मुझे सच्ची नहीं जाना शादी में। You think Isha will let you do that? यार मैंने इतना सोचा था कि राघव ईशा को ऐसा दिखाऊंगा वैसा दिखाऊंगा, अब क्या लिखूं मैं आगे, कैसे एंड करेंगे हम इसको? I'm sure you'll figure something out. एक तो पता नहीं है कि उसको पता भी है कि नहीं शादी हो रही है, फोन तो उठाता नहीं है मेरा। ब्रो उसे सब पता है, ईशा की शादी हो रही है ये भी पता है। तुझे कैसे मालूम? तू पूछ ले। कट कर दिया, मैसेज भेजा है, बोल रहा है मीटिंग में, बाद में कॉल करेगा। ब्रो सुन, थोड़ा अर्जेंट है हाँ, तो प्लीज़ जल्दी कॉल कर, कुछ इम्पोर्टेंट बताना है और कीवर्ड्स है शादी, शादी से रिलेटेड कुछ बताना है। ओके प्लीज़ कॉल। हाँ ब्रो पता है, आई कॉल। बोल रहा है हाँ ब्रो पता है, आई कॉल यू लेटर। मैंने तो बोला ही था उसको पता है। ब्रो तू जानता है मैंने उसको एक महीना पहले बोला था कि मुझे फिल्म मिली है, उसको हर हफ्ते मैसेज करता था लेकिन उसने मुझे एक बार भी कॉन्ग्रेचुलेशन विश नहीं किया। आई एम श्योर वो बिजी है, हर कोई बिजी होता है कभी ना कभी लाइफ में, बट उनको अपनों के लिए टाइम निकालना आता है। हर किसी को पता होता है कि किसके लिए कब और कितना टाइम निकालना चाहिए, और ये बात वो भी जानता है और तू भी, इसलिए रिलैक्स कर, वो जब तुझे कॉल करना चाहता होगा वो खुद ही कर लेगा। Guys, the poster is out. Wow. क्या बात है, दिखा? Congratulations. Thank you. तुम्हें पता है इसकी होर्डिंग्स भी लगने वाली है। We should go check them out. Yeah. मुझे पता है 17 locations पे होर्डिंग्स लगी है और एक अपने यहाँ कांदीवली में भी लगी है, वो देख के आते हैं। चलो let's go. और सिर्फ कांदीवली क्यों, अपन 17 की 17 जगह चलते हैं। अरे ब्रो वो बहुत दूर दूर है और लोकल से तो मैं ट्रेवल कर नहीं सकता क्योंकि फेमस हूँ और कैब का मेरे पास पैसा नहीं है। कांदीवली वाला देख के आते हैं। लेट्स गो। अरे बोरा मुझे दिख रहा है वो लेफ्ट में, वहां पे। ओह माय गॉड आई सी इट। ओह डैम, ये कांग्रेचुलेशंस वरुण, क्रेजी, दिस इज सो मस्त है यार, सो हैप्पी। थैंक यू गाइस। गाइस तुम लोग घर जाओ, मैं आता हूं, आई वांट टू बी हियर फॉर अ व्हाइल। Are you sure? Yeah, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। Okay. ठीक है चल, टाइम पे आ जाना लेकिन। हेलो पापा, एक गुड न्यूज है, मेरी मूवी का पोस्टर निकल के आ गया है, हर जगह होर्डिंग्स है। अरे बकवास बंद करो तुम, खन्ना अंकल का फोन आया था, बताया उन्हें कैसे तुमने उन्हें मना कर दिया और तुम्हारे और किसी लड़की के बारे में बताया। हाँ पापा मैंने उनको बता दिया और लड़की का नाम नताशा है, मैं बात करवाऊंगा उससे। अरे कैसे बेशर्म हो गए तुम, इतना सब करने के बाद भी कैसे बेशर्म हो जैसे बात कर रहे हो। पापा मैंने आपको पहले ही बताया था कि खन्ना अंकल को मना कर दो। हाँ, सब तो अब तुम्हारे हिसाब से होगा, हम बेवकूफ है ना, तुम
तुम्हारे जैसे नालायक बच्चा नहीं देखा, अब क्या चाहिए? और बेइज्जती करवानी है? मैंने आज वो पोस्टर आया था इसलिए बताने के लिए फोन किया था। अरे भाड़ में गया तुम्हारा पोस्टर? ओ ठीक है। क्या ठीक है? दोस्त के सामने बेइज्जती करवा दी और बोल रहे हो ठीक है? सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके लिए बेटे की खुशी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ नहीं है इम्पोर्टेंट, ना कभी स्कूल में ढंग के मार्क्स ला पाए, ना एग्जाम क्लियर हुआ, और अब ये बेइज्जती। पता चल गया ना, नहीं है इम्पोर्टेंट। और कुछ पता चले तो वो भी बता देना। हाँ पता चला, ये पता चला कि हर माँ बाप अच्छे नहीं होते, लाखों में कुछ एक दो ही निकलते होंगे ऐसे बुरे, और मैं लकी निकला। तुम लोग कहीं जा रहे हो? पार्टी में जा रहे हैं। योर पार्टी? अरे इसको समझ ही नहीं आया। अरे पागल, तेरे पोस्टर आने की पार्टी? Yeah, and then we'll go for the trailer party also. अरे ट्रेलर से पहले टीजर आता है ना आजकल, तो उसकी अलग पार्टी करनी पड़ेगी। आधी रात को तुम्हारे ही पास आऊंगा, मैं अपने फोन से तुम्हारा ही नंबर मिलाऊंगा, अगर जवाब मौसूल हो ना मैं खुद को बताऊंगा कि सब कुछ ठीक है, अकेले में बादल उड़ाऊंगा, हम इतने मुख्तलिफ नहीं जैसे आसमां ज़मीन, अपने आप को ढूंढो तुम देखोगे सब अच्छा है। मैं अपनी गदा करूँ तो पहाड़ों पे चढ़ के